नमस्कार दोस्तों दोस्तों आज हम सीखेंगे कि हम कंप्यूटर को तो ऑन कर रहे हैं मगर उसमें बीप भी आ रही है, तो क्या प्रॉब्लम हो सकती है। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, अब आपको इसे प्रैक्टिकल करके दिखा रहा हूँ कि आपको प्रॉब्लम ना हो। ये हमारी पावर सप्लाई है, सबसे पहले हमने पावर को चेक करना है। ये हमने पावर चेक लगानी है टाइट करके, उसके बाद अभी आप देखोगे। आपने देखा कि कंप्यूटर ऑन हो गया, इसके बाद आपके कंप्यूटर में बीप की आवाज़ आई है। तो दोस्तों अगर ऐसी प्रॉब्लम आ रही है तो क्या प्रॉब्लम हो सकती है, और मॉनिटर में ऐसा मैसेज आ रहा है। तो दोस्तों अगर आपके मॉनिटर में मैसेज आ रहा है नो सिग्नल, तो इसका अर्थ है कि जो आपकी कंप्यूटर की केबल है वो लूज़ है या वो ख़राब हो रही है। और आप देखोगे कि आपका जो कीबोर्ड है, आप कैसे चेक करेंगे, देखो अपने कीबोर्ड के ऊपर चेक करते थे कि आप अब लाइट दिखी थी आपको नमलॉक लाइट, अगर नम ये देखा होगा ने कि नमलॉक लाइट आ रही है, ब्लिंक कर रही है, तो इसका अर्थ है कि हमारा जो कंप्यूटर है वो ऑन है और जो हमारे मॉनिटर की तार है वो लूज़ है। तो हमने ये मॉनिटर की तार है, ये देखा आपने कि हमने मॉनिटर की तार लगाई और हमारा जो है डिस्प्ले आ गया। तो दोस्तों और अगर मॉनिटर की तार लगाने के बाद भी हमारा डिस्प्ले नहीं आ रहा है, तो इसका अर्थ है कि हमारी जो केबल है हमने इसको चेंज करके देखना है, जो मॉनिटर की केबल है। तो और साथ में केबल चेंज करने के बाद हमने चेक करना है कि इसमें डिस्प्ले आता है नहीं आता है। तो दोस्तों आज आप लोगों ने सीखा कि अगर हमारे हमारा कंप्यूटर में हम ऑन करते हैं और हम उसको आवाज़ तो दे रहा है मगर डिस्प्ले नहीं आ रहा। तो दोस्तों ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद जय भारत।